बहुत ही गर्मजोशी से अपना आशीर्वाद दिया, आप सबने हमारा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। अपनी ओर से मैं अपनी माताओं बहनों का बहुत अभिनंदन आज करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आके आपने निश्चित रूप से जो मातृशक्ति के उत्थान का हमने संकल्प लिया हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, आपने निश्चित रूप से ऊर्जा भरने का काम किया है। प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की ऐतिहासिक भूमि में आकर, जहां एक ओर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, वहीं आप सब माताओं बहनों का ये प्रेम देखकर भाव विभोर भी हो रहा हूं कि हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से आज अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अल्मोड़ा की इस पावन भूमि को जिस अष्ट भैरव व नौ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है तथा जिसकी रक्षा लोक देवता गुलजू महाराज स्वयं कर रहे हैं, ऐसी महान भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। चंद राजाओं की राजधानी रही सांस्कृतिक नगरी अपनी प्राचीन विरासत व ऐतिहासिक धरोहर को आज भी अपने आप में सजोए हुए ऐसी महान धरती पर मातृशक्ति के उत्थान के लिए आजीविका महोत्सव, जिसमें आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में आकर भागीदारी की है, इतनी बड़ी संख्या में आप सब सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम की बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और दीदी भूली हाथ लगाल उत्तराखंड होल अमृतकाल, इस थीम पर आधारित ये महोत्सव अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। मैं अभिभूत हूँ इस महोत्सव में आकर। आज जिस प्रकार से यहाँ पर आने पर मैंने देखा आर्गेनिक कृषि, उद्यानीकरण, पर्यटन, दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य, फूड प्रोसेसिंग, ग्रोथ सेंटर, एपर तथा आर्ट सहित आदि क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम करने वाली जनपद की 15 जो महिलाएं हैं उनको आज कहीं यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है, उन सबको भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। साथ ही आज ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण के यहाँ पर पट लगे हुए हैं, इसमें 117 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का आज लोकार्पण किया है, जो योजनाएं पूरी हो गई हैं, और 85 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं वो भविष्य के लिए उन पर काम होंगे, उनका आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूँ। और ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने का जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को पूरा करेंगी। अल्मोड़ा जनपद के सभी क्षेत्रों में विकास के एक नए आयाम का शुरुआत होगा, नया आयाम आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हमने कहा था कि हम जो भी योजनाएं लाएंगे वो सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे, क्योंकि हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका कथन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका एक साथ हर प्रकार से सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना, यह हमारी राजनीति का आधार वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि जनता जनार्दन की सेवा करना है। जो लोग पूछते हैं, कई बार आपसे भी पूछते होंगे कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है, वो लोग आज देख सकते हैं डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है, कैसे विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, जिन कामों के बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था वो सारे के सारे काम आज धरातल पर साकार हो रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। हम मैदान से लेकर पहाड़ तक विकास का जो रोड मैप है वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करना है, हर क्षेत्र को विकास के रास्ते पर लाना है, विकास की गंगा हर क्षेत्र में बहे,
ये हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आजीविका महोत्सव प्रदेश भर की जो महिला उद्यमियों ने पारंपरिक उत्पादों पर आधारित अत्यंत यहाँ पर सुंदर प्रदर्शनी तथा अनेक मन को मोहने वाले स्टॉल लगाकर ये बता दिया है कि प्रदेश के विकास में महिलाओं का जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया अभी कि मैं जब 2021 में यहाँ पर आया था तो तब भी आप सब लोगों ने, मेरी माताओं बहनों ने बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया था, और 2021 में पहली बार जब ये आजीविका महोत्सव यहाँ आयोजित किया गया था और विभिन्न उद्यमों की स्थापना हेतु उस समय जो कुल ऋण था वो 6 करोड़ रुपए था और दूसरे आजीविका महोत्सव में ऋण की राशि 21 करोड़ रुपए थी, और मैंने कहा था कि आप इसको 50 करोड़ तक पहुंचा दीजिए। मुझे यह जानकर आज जब मैं आपके बीच में आने से पहले वहां पर एक प्रेजेंटेशन देखने के लिए गया था तो इस तृतीय जो आजीविका महोत्सव है इसमें अल्पोड़ा जनपद ने 51 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 111 करोड़ रुपए की प्रगति की है। इसके लिए मैं जनपद अल्मोड़ा की पूरी टीम को, जिलाधिकारी को, सीडीओ को और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उद्यमियों द्वारा इन ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई ऋण राशि का उपयोग अपने अनेक उद्यमों की स्थापना तथा उनकी वृद्धि हेतु किया जाएगा, जहां वो स्वयं को मजबूत बनाने का काम करेंगे, अपने को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वरोजगार रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, वहीं अन्य लोगों को भी इस ऋण योजना के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि 3 साल पहले मेरे द्वारा यहीं पर इसी हवालबाग में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर का शुभारंभ किया गया था। इसके माध्यम से भी 1200 उद्यमियों को, उद्यम करने वालों को पंजीकृत किया गया है, जो निश्चित रूप से ये हमारे बढ़ते हुए कदम हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश भर में जो काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं को लाया जा रहा है और महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, वो नए भारत की जो शानदार तस्वीर है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रही है। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं एवं बहनों के पास आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। आज गांव-गांव में, हर गांव में जहां महिलाओं को घर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत गैस, बिजली, पानी जैसी अनेक जो मूलभूत सुविधाएं उनसे जोड़ा जा रहा है, बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। पूरे देश में आज 70 लाख स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें सीधे सीधे इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूह ने 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी इसमें हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में भी हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में आज बहुत शानदार काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज का ये जो 111 करोड़ रुपए का लक्ष्य पहुंचना, यहां तक पहुंचना, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो आज उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है, ये स्वयं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसी स्थिति है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर रूप से प्रयासरत है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी लगातार अपनी जो बहनें हैं, मातृशक्ति है, उनको मजबूर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार उनका चले, वो अपने पैरों पर खड़े हों, हर प्रकार से वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे हैं।
कि हमारी माताओं बहनों का जीवन जितना अधिक हो सके उसको उतना ऊपर उठाया जा सके। इस प्रक्रिया के तहत आप सबको मालूम है कि हमने सरकारी नौकरियों में 30% का जो आरक्षण है वो विधेयक लाकर सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गोरा बंधन योजना, महिला पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की है। हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए, और मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनको समानता का अधिकार देने के लिए अभी हाल ही में हमने 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो हमारा विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, और विशेष रूप से इस सत्र में हमने केवल एक ही बिंदु पर काम किया, और वह बिंदु था उत्तराखंड के अंदर जो हमने चुनाव से पूर्व आप सबके सामने एक संकल्प रखा था, जिसके लिए आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि समान नागरिक संहिता का कानून हम बनाएंगे, हम विधेयक लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपना वायदा पूरा किया है, हमारा संकल्प पूरा हुआ है जिसके लिए आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया था, आपने हमें आशीर्वाद दिया था। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार इन 22-23 सालों में उत्तराखंड के अंदर एक पार्टी की सरकार आपने दोबारा लाकर जो हमें आशीर्वाद दिया, एक मिथक तोड़ा, एक इतिहास नया बनाने का काम किया, एक परिपाटी जो चली आ रही थी उस परिपाटी को आप सब लोगों ने बदलने का काम किया, और हमने भी बिना रुके जो हमने आपके सामने संकल्प लिया था, जो हमने आपसे वायदा किया था, वो वायदा आप सबके आशीर्वाद से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उसको पूरा किया है। समान नागरिक संहिता हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि ये उत्तराखंड से शुरू हुई है। जैसे गंगा हमारे राज्य से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष को जल देने का काम, जीवन देने का काम करती है, सबको अभिसिंचित करने का काम करती है, वैसे ही समान नागरिक संहिता हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से शुरू होकर पूरे देश के अंदर जाएगी, सभी मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, बच्चों को, उनके जीवन को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए, सब में समानता लाने के लिए गंगोत्री की तरह काम करेगी। इसलिए मैं प्रदेश की जनता का और विशेष रूप से अपनी मातृशक्ति का, अपनी माताओं बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं और मेरी हमारी सरकार इस विधेयक पर आगे बढ़ पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये समान नागरिक संहिता महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। भाइयों बहनों, ये हमारी पार्टी का जनसंघ के जमाने का संकल्प था, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया है। ये आदि आबादी का पूरा कानून है, ये किसी पंथ का, किसी मजहब का, किसी धर्म का कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये उन कुरीतियों के खिलाफ है जिसने सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा था, उसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा महिलाओं को, नारी को हमेशा पुरुषों से श्रेष्ठ स्थान माना गया है, क्योंकि ये महिलाएं होती हैं जो पुरुषों को जन्म देने का काम करती हैं। नारी की पूजा की परंपरा हमारे यहाँ है, ऐसे में हम नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड राज्य को ये सौभाग्य मिला कि नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये कदम हमने बनाया, ये कदम बढ़ाया, और इसको लागू करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ गए हैं। ये कोई राजनीतिक चुनाव का विषय भी नहीं है, बल्कि ये गलत और सही में से जो चुनाव होना है वो है कि हमने सही का चुनाव किया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के अनुरूप है। एक भारत तभी हो सकता है, दुनिया का सिरमौर भारत तभी हो सकता है, दुनिया को दिशा देने वाला भारत तभी बन सकता है जब देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून हो और सबको बराबरी का मौका दिया जाए। भाइयों बहनों, हमने जो जनता से वायदे किए उन्हें निभाना हमारा फर्ज था, क्योंकि हम जनता के हैं और जनता हमारी है, हम उन्हीं के बीच में से आते हैं, उन्होंने हमें ये ताकत दी है कि हम उनके हित के लिए
कानून लेकर आए, नीतियां लेकर आए और उनको धरातल पर उतारने का काम करें। यूसीसी विधेयक, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, लैंड जिहाद पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन्हें हमने, चुनौतीपूर्ण थे लेकिन हमने उनको सुलझाने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबके आज ये अल्मोड़ा की महान धरती से ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी देवभूमि है, जहां ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, हमारे चारों धामों का प्रदेश है, बाबा जागेश्वर की भूमि है, ये गोलजू का स्थान है, हमारा आदि कैलाश है, अनेक हमारा जहां केदारखंड है, मानस खंड है, हर जगह देवों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है। इस प्रदेश का अपना महत्व है। हमने कहा है, कल आपने देखा होगा एक घटना हुई थी हल्द्वानी में, हमने कहा हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे, हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें, मैं उनको कहना चाहता हूं हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को, हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाई बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए हैं, 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीन है जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है, लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हमारा संकल्प है और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा को नहीं पहुंचा देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रही संकल्प, उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी माताओं बहनों का साथ मिल रहा है, लगातार वो हमारे साथ चल रही है, हमारे नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हर एक नौजवान, हर एक हमारे विद्यार्थी, सारे के सारे एक गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। आप सब सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उत्तराखंड के अग्रणी राज्यों में शामिल करना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को निरंतरता से मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अल्मोड़ा के अंदर हमारे बहुगुणा जी, हमारे अजय टमटा जी लगातार मुझसे कह रहे थे कि आज पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें और हमारे विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे आज सड़कों पर थे और इतनी बड़ी संख्या को देखकर मैं अभिभूत हूँ। निश्चित रूप से मैं आप सबसे कह सकता हूँ, इन आप सब ने आज इस प्रकार का जो प्रेम दिया है, इस प्रकार का जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है,
हम जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भगवान की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, उत्तराखंड को जब तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल नहीं करवा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस अवसर पर आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने अपने पत्र मुझे दिए हैं, बहुत सारे आवेदन पत्र भी है, बहुत सारे आगे की योजनाओं के पत्र हैं, कुछ जरूरतों के पत्र हैं, मैं उन सबको अपने साथ ले जा रहा हूँ। कुछ प्रमुख जो घोषणाएं हैं, मैं उनको यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। भतरौत खान में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, विकासखंड लमगड़ा में सर्वोदय इंटर कॉलेज में 4 कक्षों का निर्माण किया जाएगा, तिलोरा में सिंचाई पंपिंग योजना बनाई जाएगी, विकासखंड हवालबाग के समीप मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सल्ट के बुलमरा गैरखेत रोड का डामरीकरण ये किया जाएगा, विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड द्वाराहट के अंतर्गत ग्राम सभा सपनी में सुकेश्वर महादेव मंदिर की का जो जीर्णोद्वार है उसका अवशेष कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी बहुत सारे और भी हमको प्रस्ताव आए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी माननीय लोगों ने जो मुझे प्रस्ताव दिए, आप सबके बीच में से भी आए हैं, कुछ अभी जल्दी होने वाले अल्पकालिक हैं, कुछ थोड़े दिनों के बाद हो सकते हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं, उन सभी को योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सहृदय हैं और आप यहां पर आए और लोग आपसे मिल